हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इम्पेटस इंग्लिश लेशन। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रयास बैच के इस सेशन में। प्रयास बैच यानी एन इनिशिएटिव फॉर स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम लोग। आज के सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें जो हमने कल पढ़ाया था, क्योंकि दोनों का जो ये क्लासेस है एक दूसरे से काफ़ी लिंक है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं यूजेज ऑफ बी फॉर्म। बी फॉर्म का मतलब इज, एम, आर, वाज, वर और खुद अपने आप में बी है। इज, एम, आर का जो एक सिंपल यूजेज होता है ये हमने कल पढ़ा है, यानी इज, एम, आर का यूज अभी केवल हमने इतना पढ़ा है कि इज, एम, आर जो है किसी काम के होने के बारे में कह रहा है, यानी उस काम को करने के बारे में नहीं। होना, होने का मतलब उस सब्जेक्ट के क्वालिटी को, उसके स्टेट को, उसके एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी सब्जेक्ट के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। तो हम लोग वहाँ पे इज एम आर का यूज़ किए थे प्रेजेंट एक्शन के लिए। सेम बात इज का जो पास्ट होता है, अब आइए हम लोग बात करते हैं पास्ट के बारे में, यानी वाज और वर के यूजेस के बारे में। तो जहाँ तक हम लोग बात करें इज का, तो इज का जो पास्ट होता है वो वाज होता है और आर का जो पास्ट होता है वो वर होता है। हालांकि एम के बारे में अगर बात किया जाए तो एम का पास्ट भी हम लोग वाज को ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि आई के साथ क्या होता है, एम लगता है और आई के साथ वाज का यूज़ करते हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग इज का यूज़ कहाँ कहाँ करते थे। आप लोगों को शायद याद होगा ही, सी, इट या कोई भी सिंगल नेम, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हम लोग इज का यूज़ करते थे। जबकि आर का यूज़ करते थे हम लोग किसके साथ, वी के साथ, यू के साथ और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर यानी दे के साथ, और साथ ही साथ दो और उससे अधिक नाम, टू और मोर देन टू नेम्स, है ना, उसके साथ भी हम लोग आर का यूज़ करते थे। जबकि आई एक ऐसा सब्जेक्ट है, हम उसके साथ एम का यूज करते थे प्रेजेंट में, ठीक है। तो आप देखिए सिमिलरली इज का पास्ट वाज हो गया, तो वाज का यूज कहाँ करेंगे, वाज का यूज करेंगे हम लोग ही के साथ करेंगे, सी के साथ करेंगे, इट के साथ करेंगे और आई के साथ करेंगे, या फिर कोई सिंगल नेम होगा तो उसके साथ हम लोग वाज का यूज करेंगे, राइट। वर का यूज कहाँ करेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन वेयर नहीं पढ़ना है, वर पढ़ना है। वेयर पढ़ेंगे तो वेयर का मतलब हो जाएगा कहाँ वाला, वेयर, है ना, वर पढ़ना है। तो ये वर का यूज कहां करेंगे, तो वी के साथ करेंगे, यू के साथ करेंगे। अच्छा, यू का मतलब तो तुम भी होता है, तुम लोग भी होता है, यू का मतलब आप भी होता है, आप लोग भी होता है, यानी यू से हम सिंगल पर्सन को भी डिनोट करते हैं और एक से अधिक पर्सन, है ना, उसको भी डिनोट करते हैं। तो दोनों केसेस में आप उसके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल लगाइएगा। तुम अच्छे थे, यू वर गुड, तुम लोग अच्छे थे, यू वर गुड, दोनों ऐसे ही बोलेंगे, ठीक है। आप ईमानदार थे, यू वर ऑनेस्ट, आप सभी ईमानदार थे, यू वर ऑनेस्ट, ऐसा यूज करेंगे, राइट। तो फिर हमने बताया, फिर से सुन लीजिए आप लोग, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और मोर देन टू नेम्स, टू और मोर देन टू नेम्स। जैसे राम और श्याम अच्छे दोस्त थे, ऐसा बोलते हैं ना, राम और श्याम अच्छे दोस्त थे, राम एंड श्याम वर गुड फ्रेंड्स, ठीक है, ऐसा हम लोग यूज कर सकते हैं। तो वर का यूज और वाज का यूज कहां करेंगे, ये सिमिलरली आपको इज एम आर के आधार पे हमने बताया, ठीक है। चलिए दूसरी बात, सेम एज जैसा कि आपको पढ़ाया गया था इज एम आर वाले में, अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये केवल ये पढ़ रहे हैं कि वाज वर का जो यूज है ये सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है और सब्जेक्ट के बारे में बताने के लिए, क्या बताने के लिए, उसकी स्टेट, स्टेट का मतलब यहाँ पे हम बोलेंगे अवस्था, है ना, उसकी एक्शन, उसकी जो कार्य है और साथ ही साथ उसकी क्वालिटी यानी उसका क्या गुण है ये दर्शाने के लिए। मतलब यहाँ पे करने की बात नहीं कर रहे हैं, करने की बात का मतलब होता है उससे काम हो रहा है, तो वहां करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम होने की बात कर रहे हैं। मैं हूं प्रेजेंट में, मैं था, मतलब होने की बात यहां हो रहा है, उसके एग्जिस्टेंस के बारे में बात हो रहा है, राइट। चलिए आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग पहले, और कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का, फिर देखेंगे नेगेटिव का और फिर देखेंगे इंट्रोगेटिव का। तो आइए देखते हैं फटाफट। पहला एग्जाम्पल आपका है भाभी जी घर पर थी। देखिए ध्यान से, हमने वैसे एग्जाम्पल को लिया है जो एग्जाम्पल कॉमन लाइफ में हम लोग खूब बोलते हैं, क्योंकि आपको बोलने भी सीखना है यहाँ से, ठीक है। भाभी जी घर पर थी, भाभी जी का इंग्लिश तो वैसे हम लोग यूज करते हैं सिस्टर इन लॉ, लेकिन भाभी जी लिखिए सीधे, भाभी जी वॉज एट होम। घर पर होने का अंग्रेजी क्या होता है, एट होम फ्रेज है। आप लोग एक सीरियल देखे होंगे जहाँ पे शायद उस सीरियल का नाम ही था भाभी जी घर पर हैं, हमने उसका पास्ट कर दिया है, भाभी जी घर पर थी, भाभी जी वॉज एट होम। वह वहां थी, सी वाज देयर, ठीक है। मैं तुम्हारे बारे में काफी चिंतित था, आई वाज वरीड अबाउट यू, है ना,
वरीड अबाउट का मतलब क्या होता है? चिंतित होना। वरीड अबाउट मतलब क्या होता है? चिंतित होना। अब आप लोग कहेंगे सर यहाँ जो वरीड का यूज किया गया है, ये वरीड तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ऐसा कह सकते हैं आप लोग, क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? वरी होता है। वरी मतलब होता है चिंता करना या चिंता होना, ठीक है, बोलते हैं ना, तो वरी से ही बना है, वरीड बना है। सर यहाँ पे तो थर्ड फॉर्म का यूज कर दिया गया है। देखिए ये जो वॉस के बाद यहाँ वरीड आया है, ये इसके अवस्था के बारे में बात कर रहा है कि इसकी अवस्था कैसी है, चिंता है ना। तो यहाँ पे उसके स्टेट के बारे में जब बात करेंगे हम लोग, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म भी यूज कर सकते हैं बी फॉर्म के साथ। वैसे बी फॉर्म के साथ जब वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो सेंटेंस पैसिव में होता है, लेकिन यहाँ पे उसकी अवस्था बता रहा है, इसलिए यहाँ पे इसका एक स्पेशल यूज है। आगे हम लोग और बात करेंगे कि बी फॉर्म के बाद जब वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो सेंटेंस पैसिव में होता है, उस कैसे यूज करेंगे, ठीक है। हम निराश थे, यानी हम लोग निराश थे, वी वर डिसअपॉइंटेड। देखिए ये भी वर्ब का थर्ड फॉर्म है, डिसअपॉइंट का मतलब निराश करना है ना, और डिसअपॉइंटेड निराश, वर्ब का थर्ड फॉर्म। वे थके हुए थे, दे वर टायर्ड, ठीक है। वह अपने रिजल्ट से खुश थी, शी वॉज हैप्पी विद हर रिजल्ट। मेरे अंकल पुलिस में थे, माई अंकल वॉज इन पुलिस, ऐसा बोलते हैं। खाना बहुत शानदार था, लजीज था, स्वादिष्ट था, द फूड वॉज डिलीशियस, ठीक है। मूवी काफी अच्छी थी, द मूवी वॉज गुड, द मूवी वॉज गुड। तो एक बार हम लोग इसको फास्ट पढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है। कुछ करना नहीं है आपको, केवल वॉज और वर का यूज कहाँ करना है, तो आप जानते हैं वॉज और वर का यूज हम लोग पास्ट एक्शन के लिए करते हैं, है ना। यहाँ पे पास्ट एक्शन ना कहके हम ये कहेंगे कि पास्ट में घटना जो हो रहा है, यानी जो सब्जेक्ट के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं वहाँ के, उसके बारे में बात कर रहे हैं लोग। या हिंदी में कहें तो हम लोग था, थे और थी के बारे में बात कर रहे हैं। वह कैसा था, जैसे बोलते हैं वह कैसा था, खुश था, ही वॉज हैप्पी। मैं काफ़ी परेशान था, आई वॉज वेरी एंक्शस, आई वॉज वेरी क्या बोलेंगे, वरीड, ऐसा यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम लोग ऐसा यूज करते हैं। थोड़ा फास्ट पढ़िए। भाभी जी घर पर थी, भाभी जी वाज एट होम, वह वहाँ थी, सी वाज देयर। मैं तुम्हारे बारे में चिंतित था, आई वाज वरीड अबाउट यू। हम निराश थे, वी वर डिसअपॉइंटेड। वे थके हुए थे, दे वर टायर्ड। वह अपने रिजल्ट से खुश थी, सी वाज हैप्पी विद हर रिजल्ट। मेरे अंकल पुलिस में थे, माय अंकल वाज इन पुलिस। खाना बहुत लजीज था, द फूड वाज डिलीशियस। मूवी काफ़ी अच्छी थी, या मूवी अच्छी थी, द मूवी वाज गुड। अगर हम यहाँ जोड़ दें काफ़ी अच्छी थी, द मूवी वाज वेरी गुड, ठीक है, ऐसा भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का। आइए कुछ देखते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, नोट कर लिए इसको। चलिए आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग नेगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन पूछने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्म में। देखिए नेगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करना है आपको, वाज वर के साथ सीधे नॉट का यूज करना है। और जहां पे क्वेश्चन आइज करेंगे आप, क्वेश्चन पूछने के सेंस में यानी इंट्रोगेटिव फॉर्म में, आप सब्जेक्ट के पहले वाज और वर का यूज करिएगा और बाकी सब्जेक्ट के बाद जो रेस्ट पार्ट बन जाता है सेंटेंस का। अब रेस्ट पार्ट क्या होता है ये पहले हम बता चुके हैं, ठीक है, उसका आप लोग यहाँ इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो कुछ करना नहीं होता है, इट्स वेरी सिंपल। अगर आपको सेंटेंस अफर्मेटिव में बनाने आ गया तो उसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाना काफी आसान है, कुछ नहीं करना है, केवल पोजिशन चेंज करते रहना है वर्ब और सब्जेक्ट का, राइट। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है वह वहां नहीं थी, देखिए नहीं लग गया यहाँ पे, शी वॉज नॉट देयर, है ना। नॉट का जो पोजीशन है वो कहाँ है, वॉज के बाद है, शी वॉज नॉट देयर। यह हमारा कसूर नहीं था, आई इट वॉज, देखिए अब यहाँ पे यह का अंग्रेजी क्या हो गया, इट का यूज करेंगे, इट वॉज, कसूर का अंग्रेजी क्या, फॉल्ट, ठीक है, हमारा कसूर, आर फॉल्ट, इट वॉज नॉट आर फॉल्ट। मैं गलत नहीं था, आई वॉज नॉट रॉन्ग, ठीक है। खाना स्वादिष्ट नहीं था, द फूड वॉज नॉट डिलीशियस। उनको मेरी कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, देवर, उनको चूंकि बहुत सारे लोगों को बात कर रहा है, देवर नॉट इंटरेस्टेड इन माई स्टोरीज। अब इंटरेस्टेड के साथ प्रेपोजिशन वहां पे इन आया है, तो ये सब भी हम लोग आगे देखेंगे किसके साथ कौन सा प्रेपोजिशन आता है, ठीक है। आइए थोड़ा एक बार फास्ट पढ़ते हैं उसको, सारे एग्जाम्पल्स को। वह वहां नहीं थी, सी वॉज नॉट देयर, या हमारा कसूर नहीं था, इट वॉज नॉट आवर फॉल्ट, मैं गलत नहीं था, आई वॉज नॉट रॉन्ग, खाना स्वादिष्ट नहीं था, द फूड वॉज नॉट डिलीशियस, उनको मेरी कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन माई स्टोरीज। ऐसे ही आप सेंटेंस को बनाने का प्रयास करिएगा और खुद से बोलने का प्रयास करिएगा। जैसे डेली लाइफ में जितना भी सेंटेंसेस हम बोलते हैं पास्ट में, ठीक है, कि तुम कैसे थे, तुम ऐसे थे, ऐसे नहीं थे, जैसे बोलते हैं वह ऐसा नहीं था, ठीक है, तुम ऐसे नहीं थे, तुम ऐसे कैसे हो गए, तो जितना कुछ भी बोलते हैं उसके बारे में यानी सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, वही तो आपको वहाँ पे वाज और वर का यूज करके आपको पूछना है, ठीक है। तुम अच्छे नहीं थे, यू आर नॉट गुड, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग।
वह अच्छी नहीं थी, she was not good. वह वहाँ नहीं थी, she was not there. ठीक है, मैं वहाँ नहीं था, गया नहीं था. अगर हम गया की बात करेंगे तो एक्शन की बात हो जाएगा वहाँ पे. केवल आप उस सब्जेक्ट के बारे में डिस्क्राइब करिए, वहाँ पोजीशन बताइए, उसका स्टेट बताइए, उसकी क्वालिटी बताइए. ठीक है, बस यही यूज करना है. राइट, आइए कुछ क्वेश्चन के बारे में देखते हैं. एग्जाम्पल, क्या वो शादीशुदा थी? देखिए अब यहाँ पे क्या लग गया है ना, तो वाज वर्ब का यूज करेंगे. वाज शी मैरिड, वाज शी मैरिड, हमने एक ही एग्जाम्पल इसमें लिखा है वाज का. उसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल को जोड़ दिया है उसके पहले डब्ल्यू एच वाला बात. ठीक है, देखिए चूंकि यहाँ पे सारी बातों को डिस्क्राइब करना उचित नहीं है, इतना आप लोग सेंस लगा के जान सकते हैं कि हम लोग जब डब्ल्यू एच की बात करते हैं इसके पहले डब्ल्यू एच यहाँ लगा सकते हैं. ठीक है, जब क्वेश्चन पूछना होगा तब. वो क्वेश्चन क्या होता है, कौन, कहाँ, कब, कैसे. तो कौन का अंग्रेजी हु, कब का वेन, कैसे का हाउ, कहाँ का वेयर. तो ये सारे डब्ल्यू एच वर्ड को लगा करके हम उससे ऐसा कुछ क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं और उसका पोजिशन वॉज और वेयर के पहले प्लेस कर देंगे. राइट, देखिए वो कौन थी, हु वाज शी. ठीक है, वो कितने साल का था, हाउ ओल्ड वाज ही. तुम्हारा बर्थडे कब था, वेन वाज योर बर्थडे, वेन वाज योर बर्थडे, ऐसा बोलेंगे. ठीक है, तो जब वो वहां पे अगर क्वेश्चन पूछने की बात होगा तो वहां अगर कौन, कहां, क्या, कैसे अगर ये सब नहीं लगा है तो केवल वाज वर्ड का यूज करिए. और जब अगर कौन, कहां, कैसे लग जाएगा तो डब्ल्यू एच वर्ड का उसके पहले यूज कर दीजिए, सेंटेंस आपका बन जाएगा. एक बार दोनों सेंटेंसेस, दोनों टाइप के सेंटेंसेस को थोड़ा फास्ट पढ़ने का प्रयास करते हैं. आइए आप भी मेरे साथ पढ़िए. वह वहां नहीं थी, सी वॉज नॉट देयर, या हमारा कसूर नहीं था, इट वॉज नॉट आवर फॉल्ट, है ना. उसको और पढ़ते हैं, मैं गलत नहीं था, आई वॉज नॉट रॉन्ग, खाना स्वादिष्ट नहीं था, द फूड वॉज नॉट डिलीशियस, उनको मेरी कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन माई स्टोरीज. उसके क्वेश्चन बारे में, क्या वो शादीशुदा थी, वाज सी मैरिड, वो कौन थी, हु वाज सी, वो कितने साल का था, हाउ ओल्ड वाज ही, तुम्हारा बर्थडे कब था, व्हेन वाज योर बर्थडे. तो हमने ये देखा वाज वेयर का यूज कहाँ कहाँ करते हैं. ठीक है, इस पर पूरी की पूरी आपको शीट मिलेगी पीडीएफ में और इस पर आपको काफी कुछ ट्रांजिशन सॉल्व करना होगा और एक्यूरेसी लाना होगा ताकि आप सही सही बना भी सकें और फिर बोलने की प्रैक्टिस करनी होगी. जितना अधिक बोलिएगा उतना ही आपका टंग जो है बेहतर से बेहतर चीज़ों को आप मतलब कर पाइएगा, बोल पाइएगा. यानी बोलने के लिए बोलना पड़ेगा और मुंह को खोलना पड़ेगा, ये बात दिमाग में फिक्स कर लीजिए तभी बोल पाइएगा. लिखने से काम नहीं चलेगा, बचपन से अभी तक लिखते आए कुछ ना कुछ, लेकिन हाँ बोलने की हैबिट लानी है और बोलने का प्रयास करना है. राइट, चलिए इसके बाद हम लोग आइए देखते हैं वी का यूज, बी ई बी, और विशेषकर यहाँ पर हम लोग देखते हैं बी का यूज फ्यूचर सेंस में. वैसे किसी भी मॉडल्स के साथ तो वी का यूज कर सकते हैं लेकिन यहाँ केवल फ्यूचर की बात करेंगे क्योंकि इज ए मार्क की बात हमने प्रेजेंट के सेंस में किया, वाज वर्ब पास्ट के सेंस में किया, और वी यानी विल वी स्पेशली, चूंकि सेल और विल दोनों होता है लेकिन स्पोकन इंग्लिश में केवल विल का यूज करते हैं इसलिए हम बात केवल विल वी की करेंगे. ठीक है, स्पोकन में सेल का यूज नहीं करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग. ठीक है, तो केवल हम लोग विल वी की बात करेंगे. तो आइए देखते हैं, इसको फटाफट नोट कर लीजिए आप लोग. चलिए आइए देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स को हम लोग इसमें, है ना, और पढ़ते हैं वी के बारे में. वी मतलब विशेषकर फ्यूचर के बारे में मैंने कहा तो विल वी का यूज करेंगे. ठीक है, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है स्पोकन इंग्लिश में विल का यूज करते हैं, शैल का यूज नहीं करते हैं. इसका मतलब जितना भी पर्सन रहेगा चाहे आई हो, वी हो, यू, हर किसी के साथ यहाँ विल का यूज करिएगा. वैसे अगर ग्रामर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आप जानते होंगे कि फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी के साथ शैल का यूज करते हैं, विल का यूज नहीं करते हैं. लेकिन स्पोकन इंग्लिश में हर जगह चाहे आई हो, वी हो, हमेशा आप लोग विल का यूज करिएगा. मैं जैसे बोलते हैं मैं यह काम करूंगा तो आई विल डू दिस वर्क, ऐसे बोलते हैं ये काम करने की बात है. मैं फ्री होऊंगा, मैं कल फ्री होऊंगा, आई विल बी फ्री टुमारो. ठीक है, मैं एक ऑफिसर बनूंगा, आई विल बी एन ऑफिसर. तो कहने का मतलब है कि आप फर्स्ट पर्सन में आई और वी के साथ भी क्या करेंगे, वी का यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे, शैल का यूज नहीं करेंगे. राइट, तो आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और विशेषकर पढ़ते हैं विल बी के बारे में, फ्यूचर एक्शन यानी विल बी के बारे में. तो हाँ सब्जेक्ट और विल बी का यूज करेंगे होने के सेंस में, जो सब्जेक्ट के बारे में क्या करेगा, डिस्क्राइब करेगा, सब्जेक्ट के बारे में बताएगा. ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिएगा, यह मूवी अच्छी होगी, है ना, होने के बारे में कह रहा है यहाँ पे. दिस मूवी विल बी गुड, विल बी फाइन, कुछ भी कह सकते हैं. मैं तैयार रहूंगा, आई विल बी रेडी. कल मैं फ्री होऊंगा, आई विल बी फ्री टुमारो. ठीक है, तुम उसे देखकर हैरान हो जाओगे, यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी हर. देख करके मतलब यहाँ पर है ना, सी का मतलब मिलना भी होता है, देखना दोनों सेंस में होता है लेकिन मिलने के सेंस में.
आप एक ऑफिसर बनेंगे, यू विल बी एन ऑफिसर। वह एक किसान बनेगा, ही विल बी अ फार्मर। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान समझिएगा आप इन दोनों सेंटेंस को। वह एक किसान बनेगा, ही विल बी अ फार्मर। वह एक किसान होगा, यहाँ पे हमने ब्रैकेट लिखा अनुमान, ही वुड बी अ फार्मर। अब विल का पास्ट होता है वुड, क्या होता है विल का पास्ट होता है। अब ये देखिए ध्यान से, वुड जो है ये विल का पास्ट है, तो यहाँ पे पास्ट कैसे आ गया अपने मन से, हमने पास्ट का यूज क्यों कर दिया वुड का यूज, तो थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाली बात है। देखिए वह एक किसान बनेगा, अभी हमने जो एग्जांपल दिया था वह एक किसान बनेगा, इसका मतलब या तो फ्यूचर में वो ऐसी बनने की इच्छा है उसकी, और या तो अभी वो किसान है और किसान बना रहेगा, ऐसी मतलब चीजों को मेंटेन करेगा वो, तो वैसे कंडीशन है हम लोग विल बी का यूज करते हैं। जैसे मैं कल फ्री होऊंगा, है ना, तुम ऐसा होगे, करोगे नहीं, होगे की बात यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो वह किसान बनेगा, किसान होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ जो कह रहा है वह एक किसान होगा, तो देखिए हो सकता है कि किसी इंसान, किसी पर्सन को देख करके आप ये जज कर रहे हैं उसके पहनावे ओढ़ावे से, ठीक है, कि शायद लगता है कि वह किसान होगा। तो जब ऐसा कुछ अंदाजा लगाते हैं, आप अनुमान लगाते हैं किसी को देख करके, तो उसका जो इंग्लिश बनता है वो बनता है उड़बी के सेंस में, है ना, उड़ लगाते हैं वहाँ पे। हालांकि आगे हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे उड़ का यूज़ कहाँ करते हैं, उड़ का प्रॉपर यूज़ बहुत सारे स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज होता है उड़ का, तो कहाँ करेंगे हम लोग सब देखेंगे। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पे मोटा मोटी ये समझिए आप लोग कि जब किसी को देख करके उसके वस्त्र, उसके पोशाक से, ड्रेस से, उसके रहन सहन से, उसका होने का अंदाजा लगाते हैं कि वो क्या होगा, उसके पोजीशन के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पे आप लोग अंदाजा लगाने के सेंस में या अनुमान लगाने के सेंस में आप उड़ का यूज़ करिएगा, उड़बी का यूज़ करिएगा, ना कि विल बी का। तो किसी को देख करके आप बोलते हैं शायद वह एक शिक्षक होगा, ही वुड बी अ टीचर। वह एक शिक्षक बनेगा, ही विल बी अ टीचर, राइट। जैसे बोलते हैं कि आप एक ऑफिसर बनेंगे, यू विल बी बोलिए एन ऑफिसर। आप एक ऑफिसर होंगे मतलब वह लगता है कि एक ऑफिसर होगा, तो क्या ही वुड बी एन ऑफिसर, ऐसा लगता है। वह एक सीआईडी ऑफिसर होगा, ही विल बी अ सीआईडी ऑफिसर। देखिए अब जो यहाँ पे बनने की बात करेंगे तो ही विल बी अ सीआईडी ऑफिसर, लेकिन जैसे हम होने की बात कर दिए, देख के बोल रहे हैं कि लगता है कि वह सीआईडी ऑफिसर होगा, ऐसा लग रहा है, ही वुड बी अ सीआईडी ऑफिसर। लगता है कि वह पुलिस अधिकारी होगा, ही वुड बी अ पुलिस ऑफिसर, ठीक है, ऐसा यूज करेंगे, राइट। चलिए अब आते हैं कुछ इसके नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, देखते हैं नेगेटिव और कुछ क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है इससे, ठीक है। आइए इसको नोट कर लीजिए फटाफट आप लोग, देखते हैं। अच्छा मैं इसका फिर से फास्ट ही पढ़ देता हूँ, हाँ ठीक है। यह मूवी अच्छी होगी, दिस मूवी विल बी गुड। मैं तैयार रहूंगा, आई विल बी रेडी। कल मैं फ्री होऊंगा, आई विल बी फ्री टुमारो। तुम उसे देखकर हैरान हो जाओगे, यू विल बी सरप्राइज टू सी हर। आप एक ऑफिसर बनेंगे, यू विल बी एन ऑफिसर। वह एक किसान बनेगा, ही विल बी अ फार्मर। वह एक किसान होगा, ही वुड बी अ फार्मर, जो अंदाजा या अनुमान लगाने के सेंस में होता है। आइए इसके नेगेटिव और कुछ क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, देखते हैं, नोट कर लीजिए इसको फटाफट। चलिए आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, है ना, नेगेटिव सेंटेंसेस का कैसे यूज करते हैं। तो नेगेटिव में यूज करेंगे आप लोग विल नॉट के साथ बी का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे विल बी तो साथ साथ था, लेकिन नॉट आने के बाद जो पोजीशन हो गया नॉट का, वो तुरंत मॉडल्स के बाद हो गया और वी के पहले हो गया, बात ध्यान रखिए यहाँ पे, ठीक है। इन विल नॉट बी बोलेंगे, और ये सब आपको बोलने का अभ्यास करना पड़ेगा, विल नॉट बी, ठीक है। जैसे मैं उदास नहीं होऊंगा, आई विल नॉट बी सैड। वे शाम से पहले फ्री नहीं होंगे, दे विल नॉट बी फ्री बिफोर इवनिंग। वह भाग्यशाली नहीं होगा, खुदकिस्मती नहीं होगा, ही विल नॉट बी लकी। अब देखिए, अब ये इसके एग्जाम्पल के बाद एक हमने वो एग्जाम्पल दिया है जो सुपर 30 फिल्म का डायलॉग है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे भी आप लोग वी का यूज कर सकते हैं, लेकिन चूंकि बनने की बात कर रहा है इसलिए हमने बिकम का यूज किया है, ठीक है। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा वही बनेगा जो हकदार होगा, ठीक है। यहाँ भी होगा की बात कर रहा है, जैसे फ्री होंगे ऐसा होगा, है ना, ऐसी बात कर रहा है। देखिए तो हमने यहाँ पे बी का यूज नहीं करके, बी का मतलब होना होता है, बिकम मतलब ही होना होता है। अब चूंकि किसी पोस्ट को ये होल्ड कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे बिकम का यूज किया है और बी का यूज नहीं किया है, ठीक है। देखिए नाउ मतलब अब, किंग सन राजा का बेटा विल नॉट बिकम द नेक्स्ट किंग, अब राजा नहीं बनेगा जो हकदार होगा, है ना, अब राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। देखिए तो हकदार होगा, ओनली द डिजर्विंग पर्सन विल बिकम द किंग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। नाउ किंग सन विल नॉट बिकम द नेक्स्ट किंग, ओनली द डिजर्विंग पर्सन विल बिकम द किंग, ठीक है। तो इस ढंग से कुछ एग्जाम्पल को हमने लिया कि विल नॉट बी का यूज कैसे करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में।
आइए दो चार यहाँ पर और देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन पूछने के सेंस में कि क्वेश्चन जब पूछते हैं तो वहां कैसे यूज करते हैं, इसको नोट कर लीजिए फटाफट आप लोग। चलिए आइए देखते हैं कुछ और यहाँ पास हम लोग इंडोगेटिव सेंटेंसेस क्वेश्चन पूछने के सेंस में। देखिए क्वेश्चन पूछने की यहाँ पे बात करेंगे तो कुछ नहीं करिएगा आप लोग, विल का पोजीशन पहले करिएगा क्योंकि हमेशा विल का यूज करते हैं स्पोकन इंग्लिश में। सब्जेक्ट पहले विल हो जाएगा और वी का जो पोजीशन है वो सब्जेक्ट के बाद होगा, बाकी आप फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस का जो आप है यूज कर सकते हैं उसमें लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए, क्या तुम मेरे हम सफर बनोगे, विल यू वी माई पार्टनर, विल यू वी माई पार्टनर, ठीक है। क्या ये हमारी आखिरी मीटिंग होगी, मुलाकात होगी, विल दिस बी आवर लास्ट मीटिंग। क्या उसकी गर्लफ्रेंड सुंदर होगी, विल हिज गर्लफ्रेंड बी ब्यूटीफुल, ठीक है। तो इस ढंग से हमने एग्जांपल को देखा विल बी का यूज, कि कैसे आप लोग विल बी का यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी तक के कल और आज के सेशन को अगर हम लोग कंबाइन कर दें तो अभी तक हमने पढ़ा इज एम आर, और आज के सेशन में हमने पढ़ा वॉज वर का उसका अफर्मेटिव नेगेटिव और इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन अराइज करने के सेंस में कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं ये हमने देखा। ये सब बेसिक यूज है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि सब्जेक्ट के बारे में डिस्क्राइब करने को लेकर ये सब यूज़ है। अभी विल का यूज़ और भी मल्टीपल यूज़ करते हैं, बहुत सारे यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ करेंगे हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से मैं रिमाइंड करता हूँ, ध्यान रखिएगा। तो क्या तुम मेरे हमसफर बनोगे, विल यू बी माई पार्टनर, क्या ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी, विल दिस बी आवर लास्ट मीटिंग, क्या उसकी गर्लफ्रेंड सुंदर होगी, विल हिज गर्लफ्रेंड बी ब्यूटीफुल, ठीक है। तो आज का सेशन वाज वर और विल बी पे आधारित था, कैसा लगा ये सेशन आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया अच्छा लगता है तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी इसमें मदद मिल सके, ठीक है। और हमारे जो प्रयास बैच के स्टूडेंट्स हैं उनको इस सारे के सारे सेशन पे प्रैक्टिस करने के लिए कल आपको पीडीएफ मिल जाएगा आपके व्हाट्सएप रजिस्टर व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है। चलिए हमारे से जुड़ने के लिए और वीडियो को लास्ट तक देखने और बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।